उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली में अपना कब्जा बरकरार रखते हुए कांग्रेस ने अमेठी सीट बीजेपी से छीन ली है। अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा जीते हैं तो राहुल गांधी केरल की वायनाड के साथ रायबरेली सीट से चुने गए हैं। वायनाड से बड़ी जीत राहुल गांधी को रायबरेली में मिली है। राहुल गांधी मंगलवार को मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली पहुंच रहे हैं, जहां मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 15 साल के बाद बड़ी जीत मिली है। 2014 में दो और 2019 में एक सीट पर सिमट जाने वाली कांग्रेस इस बार 6 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही है। कांग्रेस ने अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराकर हिसाब बराबर कर लिया। ऐसे में कांग्रेस और गांधी परिवार क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताने का सियासी प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार का दशकों से नाता है, लेकिन चुनाव परिणाम जारी होने के एक सप्ताह के बाद आभार कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इससे राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस में होने वाले आभार समारोह में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, रायबरेली के सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, अमेठी सांसद केएल शर्मा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सांसद बने किशोरीलाल शर्मा अमेठी के पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने अमेठी और रायबरेली के लोगों से अपने रिश्तों की दुहाई दी और चुनाव जीतने के लिए आभार जताया। अब राहुल गांधी अपनी मां और बहन के साथ रायबरेली पहुंच रहे हैं, जहां पर आभार जताने के साथ साथ पार्टी एकजुटता का संदेश देंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी और 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 6 सांसद जीत कर आए हैं। कांग्रेस का वोट शेयर भी 6.36% से बढ़कर 9.46% पर पहुँच गया है। प्रयागराज, सहारनपुर और सीतापुर लोकसभा सीट पर करीब 4 दशक के बाद कांग्रेस को जीत मिली है। बाराबंकी में 2009 के बाद वापसी की है तो अमेठी में 5 साल पहले मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया। रायबरेली से राहुल को 66.17% वोट मिले, जबकि वर्ष 2019 में सोनिया गांधी को 55.80% मत मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस को सूबे की जिन 11 सीटों पर हार मिली है, उन सीटों पर भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बांसगांव, देवरिया, अमरोहा, महाराजगंज और फतेहपुर सीकरी जैसी सीटों पर कांग्रेस को बहुत ही कम अंतर से हार मिली। वाराणसी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने जिस तरह से पीएम मोदी को कांटे की टक्कर दी है और बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है, उसके चलते कांग्रेस के लिए सूबे में चुनौतियों को बढ़ा गई है। अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं की सक्रियता इस तरह से बनाए रखना चाहती है। यह आभार कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा है। माना जा रहा है भुएमऊ गेस्ट हाउस में आभार कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहने का संदेश देंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाएंगे, उन्हें भविष्य की सियासी तैयारी के लिए बूस्टर डोज देंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी बहुत कुछ बयां करेगी। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल यादव कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा और रायबरेली में मिली बड़ी जीत ने राहुल गांधी की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। 2019 में जीत के बाद से सोनिया गांधी ने 5 साल तक स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब राहुल गांधी को रायबरेली के साथ नाता जोड़े रखना होगा। लोकसभा सीट में तो हर बार गांधी परिवार के साथ जिले की जनता खड़ी रही, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार हारती रही है। रायबरेली में जिले से लेकर गांव स्तर तक संगठन की कमजोरी के कारण 2022 के चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर न केवल कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ, बल्कि प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी।